हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने चैप्टर टू में नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो पार्ट आरंभ किया था, उस पार्ट में हम लोगों ने जाना ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, आउटर हिमालयास के विषय में। आज हम जानेंगे काराकोरम माउंटेन्स के विषय में। काराकोरम माउंटेन्स में जानते हैं, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयास बियॉन्ड रिवर इंडस लाई द काराकोरम रेंज। हिमालय के इंडस रिवर काराकोरम रेंज में पाई जाती है और माउंट गोडविन ऑस्टिन K2 के नाम से यह रेंज यहाँ पाया जाता है। इट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इंडिया का ऊंचा पर्वत है और दुनिया का दूसरा ऊंचा पर्वत कहलाता है। लाइफ इन दिस रीजन, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसा है? जम्मू कश्मीर लाइज इन द हिमालयास एंड काराकोरम रेंज। जम्मू कश्मीर जुड़ा है काराकोरम रेंज और हिमालय के आसपास। यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के पार्ट इस हिमालयास में हैं। फार्मिंग, फार्मिंग यानी कि कृषि। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ड्यू टू लेक ऑफ प्लेन लैंड, फार्मर्स हैव कट स्टेप और ट्रेस अलॉन्ग द स्लोप। यहाँ के किसान की मुख्य जो पेशा है वह, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा जो है वह कृषि है और यहाँ के किसान ट्रेस फार्मिंग पर निर्भर है। ऑन दिस स्टेप दे ग्रो राइस, माइज, बार्ली एंड पोटैटोस। वे किसान यहाँ राइस, माइस, बार्ली और पोटैटोस को उगाते हैं। सच फार्मिंग इज कॉल्ड ट्रेस फार्मिंग। इस तरह की कृषि को हम ट्रेस फार्मिंग का नाम देते हैं। सम पीपुल ऑल्सो एंगेज इन सीप रेयरिंग एंड वुड कार्विंग। यहाँ के कुछ लोग भेड़ पालते हैं और खेतों के अलावे लकड़ी का भी उपार्जन करते हैं जो उन्हें जंगलों से मिल जाता है। आइए जाना जम्मू एंड कश्मीर के विषय। जम्मू एंड कश्मीर इज अ फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड एंड सेफ्रॉन कल्टीवेशन। जम्मू एंड कश्मीर सेब के लिए, सेब के बागों के लिए बेहद फेमस है, बेहद प्रसिद्ध है और सेफ्रॉन यानी कि केसर की खेती के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मैन एंड वोमेन वियर ए लॉन्ग वूलन कुर्ता। यहाँ के लोग लंबा कुर्ता पहनते हैं जिसे फिरन कहा जाता है और सलवार यहाँ की औरतें पहनती हैं। ड्यूरिंग विंटर दे यूज कांगरी टू कीप देम सेल्फ वार्म। कांगरी ठंड के दिनों में, कांगरी से यह अपने शरीर को गर्म करते हैं। पीपुल ड्रिंक कहवा। यहाँ के लोग कहवा पीते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टी कहलाता है कहवा। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर श्रीनगर, गुलमर्ग, अमरनाथ एंड लद्दाख। यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का एक अंग है, वो है श्रीनगर, गुलमर्ग, अमरनाथ और लद्दाख। आइए जानें हिमाचल प्रदेश के विषय में। हिमाचल प्रदेश इज द फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड। हिमाचल प्रदेश भी एप्पल की कृषि के लिए, एप्पल के बागानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मैन वियर एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स कॉल्ड कुल्लू कैप्स के नाम से जाना जाता है। वुमेन वियर स्कर्फ कॉल्ड धाजू। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इज कुल्लू दशहरा। यहाँ का जो बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है कुल्लू का, वह दशहरा है। मेरी टूरिस्ट विजिट शिमला, डलहौजी एंड मनाली। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में शिमला, डलहौजी और मनाली में टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड के विषय में। उत्तराखंड इज फेमस फॉर बासमती राइस। यहाँ बासमती राइस काफ़ी प्रसिद्ध है। लेचीज एंड प्लम। सम पीपुल्स वीव वूलन शॉल, स्कार्फ्स एंड रग्स। मंसूरी, नैनीताल एंड हरिद्वार अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। अब आइए जानते हैं सिक्किम के विषय। सिक्किम इज ए फेमस फॉर ऑरेंज। सिक्किम
सिक्किम में काफ़ी मात्रा में नारंगी की खेती होती है। कार्डमम एंड ऑर्चर्ड्स यहाँ काफ़ी मात्रा में। सम मेन एंड वेमेन वेयर ए लूज गॉन फास्टेन एट द वेस्ट, इट इज कॉल्ड अ बाखू। बाखू दे ऑल्सो वेयर कलरफुल ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीड्स। द मेन टूरिस्ट प्लेसेस आर गंगटोक एंड पेले। आइए जाने पूर्वांचल हिल रेंज के विषय में। इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल हिल रेंजेस ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। दिस हिल्स आर नॉट वेरी हाई, दे आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। पूर्वांचल हिल जो है वह नॉर्थ ईस्टर्न हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ऊंचा नहीं है और यहाँ काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं। लाइफ इन दिस रीजन, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? तो पूर्वांचल हिल रेंजेस इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नेमली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। फार्मिंग आर वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हेयर। दे ग्रो राइस, माइस, पोटैटो, जिंजर, पल्सेस एंड ऑयल सीड। दे ऑल्सो ग्रो oranges, pineapples and bananas for sale in the market. Now, अब हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के विषय में। तो अरुणाचल प्रदेश इज अ फेमस फॉर फ्रूट orchards एंड orchids. सम पीपल डू wood carving, carpet weaving and make bondo and cane product. ईटानगर, जीरो and ताइवान are a few places ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। यहाँ ईटानगर, जीरो और ताइवान ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नागालैंड अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग एंड वीविंग वुड कार्विंग एंड पॉल्ट्री आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। द नागास वेयर सॉल ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। यहाँ के लोग अलग अलग डिजाइन के सॉल का प्रयोग करते हैं। वी कैन टेल द ट्राइब इन नागा बिलोंग्स टू फॉर्म ए डिजाइन ऑन हर हिज सॉल। कोहिमा एंड दीमापुर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। मणिपुर ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स सच ए लीची, कैसनट, वॉलनट, पपाया एंड पैसन फ्रूट्स आर ग्रोन इन मणिपुर। क्राफ्टमैन मेक द आर्टिकल्स फ्रॉम बैम्बू, केन एंड लेदर। द मणिपुरी डांस इज वेरी पॉपुलर। इम्फाल एंड उखारुल अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। अब जाने मिजोरम के विषय में। हेटरिस्टल फार्मिंग ऑफ मिजोरम हैज नाउ बीन रिप्लेस विद द फ्रूट्स एंड रोज कल्टिवेशन। सम पीपल मेक सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। चापचर कुट इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। Chapcherkut is the important festival celebrated in March. Tripura. Jute, rubber and bamboo are grown in Tripura. Bamboo is used to make handicrafts. People most speak Bangla and Kok Baro. Agartala and Uka Unka Koti attract tourists throughout the year. Ant mein jaane Meghalaya ke kisan. People of this state belong to the गारो, खासी एंड जयंती ट्राइब्स। खासी एंड गारो आर वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इज द बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। शिलोंग एंड चेरापुंजी आर पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट इन दिस रीजन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।